चरण के बाद हम लोग उतरे, एक खून से लथपथ हमारी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूर्ण पात्र नीचे बैठा है, खून से एकदम लथपथ है। उसको हमें भी घबराहट हुई। हम उनको, कोई लोकल की पुलिस थे, उनको ढूंढे, उनको अनुरोध किए, भाई आप उनको पहले चिकित्सा कराओ। उनको इस हॉस्पिटल में लाया गया। अभी उनको हमने देखने आया, कुछ दिन पहले खबर आया कि भाई यहाँ हॉस्पिटल के सामने गुंडा नंदीग्राम पहले ले जा रहा था, वहाँ गुंडा तब हॉस्पिटल के सामने भी खड़े थे, लोकल पुलिस साथ में थी। हमें तो समझ में नहीं आ रही है लोकल पुलिस क्या कर रही है। अभी यहाँ हमने बात किया यहाँ की आईसी से, कोई झा जी थे उनको भी हम गुहार लगाए, अनुरोध किए, भाई ये प्रजातंत्र है, चुनाव सभी के लिए हैं, सबको लड़ने के अधिकार हैं, लेकिन ये बमबारी होगा, लोगों को जानलेवा हमला होगा। अभी खबर आ रही है कि पात्र का सीरियस कंडीशन हो गया है, उनको अभी स्कैनिंग के लिए बाहर लेके जाना पड़ेगा। मैं यहाँ की प्रशासन को अनुरोध करता हूँ, भाई प्रजातंत्र में अभी फिर खबर आई, फिर अभी एक अटैक शुभेंदु जी की काफिला के ऊपर हुई है। ये तो बहुत घबराने वाली बात है, ये बहुत चिंताजनक विषय है। प्रजातंत्र में लोकल पुलिस अगर टीएमसी के साथ मिल जाएगा, मैं चुनाव आयोग को निवेदन करता हूँ तुरंत हस्तक्षेप करे, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाए। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन डर भय पैदा करा के, चुनाव और 15 दिन बाकी है, लेकिन ऐसे कार्रवाई करना, ऐसे घटना करना बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ से घटनाएं हो रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि हम दंगे नहीं चाहते, लोगों को कह रही है आपके घर में बर्तन होंगे, अगर बीजेपी वाले आए तो आप उन बर्तनों से मार कर उन्हें भगा दें, पर हम दंगे नहीं चाहते। मैं तो अभी हॉस्पिटल आए हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं की सर फूट गई, किसी कमर टूट गई, किसके ऊपर बम गिरा गया है। दीदी तो ऐसा नहीं करनी चाहिए, सब बंगाल की जनता है, ये कोई बहिरागत नहीं है, सब पूर्ण पात्र हो या बाकी लोग हैं, ये तो सब यहीं के हैं, नंदीग्राम के हैं। क्या कर रहे हैं आप, ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर जनता पे इतनी भरोसा है, आप लड़ते चुनाव, लड़ ही रहे चुनाव, जो होगा जनता के फैसला सर माथे पे स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन हिंसा करना, अत्याचार करना, डर पैदा करना, भय पैदा करना, यह बहुत ही निंदनीय विषय है। ममता बनर्जी कह रही है डर बीजेपी पैदा कर रही है, चाहती नहीं वो निकले, पर वो टाइगर है और वो सिर्फ पब्लिक से डरती है, वो किसी और से नहीं डरती है। पब्लिक को तो रहम करिए दीदी जी, ये जो निहत्ते लोग प्रजातंत्र में, ऐसा कोई जरूर, आप तो तानाशाह नहीं हो कि आप ही को सब समर्थन करेंगे, आपका भी समर्थक रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थक रहेंगे। आज मोदी जी की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ी है, आपको सहन करना चाहिए, जनता को आप अपील करिए, जो काम अच्छा अगर किए हैं आप उन्हीं के ऊपर वोट मांगिए। आप डर क्यों करवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं लोगों, क्यों जान क्यों लेना चाहते हैं। 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी के, हम तो हॉस्पिटल में खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी मरवाना चाहती थी, उन्होंने अटैक कराया, पहले लेफ्ट सीपीएम करा दी थी और अब बीजेपी वाले उन पर अटैक करते हैं। ये पिछले 100 दिनों में जो 130 लोगों की हमारी हत्या हुई, ये कौन किया, एक शब्द भी आपने उसके ऊपर निंदा किया है क्या, क्या आपकी मन में इसके लिए कोई पीड़ा है क्या। आपको सत्ता चाहिए, आपकी भतीजे की स्वार्थ चाहिए, आपको आपकी गुंडों की संरक्षण आप करते हो, ये नहीं चलने वाला है। बंगाल में परिवर्तन जनता करके रहेगी। नंदीग्राम बहुत ही हाई ऑक्टेन बैटल ग्राउंड है, यहाँ पर सीएम खुद लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी से, आपको लगता है कि एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स इस सीट के लिए एटलीस्ट होनी चाहिए। हमें पूरा भरोसा है चुनाव आयोग पे, चुनाव आयोग विश्व की एक अच्छी एजेंसी है, इसको ये ठीक से संज्ञान में लेके संभालेंगे, पेट्रोलिंग बढ़ाए जाए, और कुछ स्थानीय पुलिस अधिकारी है उनकी मिली भगत टीएमसी की गुंडों के साथ है, उनकी कार्रवाई, उनकी व्यवहार को भी संज्ञान में लेनी चाहिए, तब जाके यहाँ लोगों के मन में डर घटेगी, लोग निष्पक्ष होकर वोट देने आएंगे।